नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है HSC से रिलेटेड। जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं, जैसे कि ग्राम सचिव, पटवारी, SI, JEE, ठीक है, जितने भी आपके HSC से रिलेटेड एग्जाम हैं प्यारे साथियों, उन सभी के लिए हमने रीजनिंग से ज़बरदस्त आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके दो भाग हम पहले से डाल चुके हैं और आज ये इसका भाग नंबर 3 रहेगा। तो प्यारे साथियों, किसी भी HSC के एग्जाम में जाने से पहले इस सीरीज को आप जरूर लगा के जाएं। इसमें हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में प्रतिदिन करवा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने लगाने की कोशिश कीजिएगा। यदि 4 सितंबर को रविवार था तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष का कौन सा दिन होगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपके सामने है, कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, एग्जाम ने आपसे पूछा 4 सितंबर को कौन सा वार दिया गया है, रविवार था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया 31 दिसंबर को उसी वर्ष का कौन सा दिन होगा। तो प्यारे साथियों, 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के आपको टोटल दिन फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रथम महीना इसमें मानेंगे हम सितंबर, ठीक है, क्योंकि 4 सितंबर से क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मंथ होगा आपका अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ होगा हमारे पास नवंबर, और नवंबर के बाद नेक्स्ट मंथ होगा हमारे यहाँ पे दिसंबर, ठीक है। दिसंबर तक के प्रत्येक दिन हमें फाइंड करना है। तो प्यारे साथियों, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, जिसमें से 4 दिन इसने यहाँ पे यूज किए, इसका मतलब कितने दिन बच गए शेष हमारे पास, 26 दिन, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर कितने दिनों का होता है प्यारे मित्रों, 31 दिनों का, ठीक है। नवंबर कितने दिनों का होता है आपका, 30 दिनों का, और दिसंबर प्यारे मित्रों कितने दिनों का होता है आपका, 31 दिनों का, ठीक है। तो इन सभी दिनों को हमें यूज करना है। तो प्यारे साथियों, 26, 31, 30 और 31, अगर इन सभी दिनों को हम प्लस करेंगे तो कितने दिन प्राप्त होंगे हमें यहाँ पे, 118 दिन। कितने दिन, 118 दिन, और इन 118 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे साथियों, 6 दिन। रिमाइंडर मतलब आपका शेष दिन, ठीक है। तो शेष कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पे, 6, ठीक है। कितने दिन बचेंगे, 6। इसका तो 31 दिसंबर का प्यारे साथियों कौन सा दिन होगा हमारे पास यहाँ पे, जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना आपका, 6, यानी कि 6 दिन, ठीक है। तो 6 का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों, आपका शनिवार। क्या होगा, शनिवार, देखिए क्या होगा आपका शनिवार। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, सी, तो सी क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, हमने इसमें बता रखा है आपको, अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, सोमवार, ठीक है। 2 का मतलब हमारे पास क्या होगा, मंगलवार। 3 का मतलब हमारे पास क्या होगा प्यारे मित्रों, बुधवार। 4 का मतलब बृहस्पतिवार। 5 का मतलब आपका शुक्रवार, ठीक है। और 6 का मतलब प्यारे साथियों शनिवार। और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 0। तो 0 का मतलब प्यारे साथियों क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, रविवार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। और प्यारे मित्रों, इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है प्यारे साथियों, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की PDF मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, नीचे प्रश्न में एक पता दिया गया है, ठीक है, उसके बाद 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है जबकि अन्य में कुछ गलतियां हैं, वह विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह मिलता है। तो प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, आपको यहां पर एक एड्रेस दिया गया है, ठीक है, यानी एक पता दिया गया है, जैसे नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन निवास बिजू स्मृति KM पटनायक मार्ग भुवनेश्वर 322005, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, ये आपके सामने एक एड्रेस है और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में प्यारे मित्रों 3 में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है, और एक इस एड्रेस के जैसा मिलेगा आपको, उस एड्रेस को पहचानना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे साथियों, फर्स्ट ऑप्शन चेक करने की कोशिश कीजिएगा, तो इसमें गलती यहाँ पे दी गई है, BEE JU, ठीक है। आप ऊपर देखने की कोशिश कीजिएगा, BIJU,
जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है बी डबल ई जे यू, इसका मतलब इसमें करेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, जैसा एड्रेस आपका ऊपर दिया गया प्यारे मित्रों, वैसा ही एड्रेस आपको नीचे मिलना चाहिए। ठीक है, इनमें बारीक बारीक गलती मिलेंगी, उन गलतियों को हमें पहचानना है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद आपका बी ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों। यहाँ पे जो करेक्शन दी गई है वो यहाँ इन नंबर में दी गई है। ठीक है, डिजिट में दी गई है। आप लोग यहाँ पे नंबर देखने की कोशिश कीजिएगा 322005, जब इतनी कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों 3200 है और ऊपर आपका क्या है 00, इसका मतलब करेक्शन इसमें यहां पर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन में क्या प्यारे साथियों, गलत है। ठीक है, उसके बाद आप सी ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे साथियों यहां पे देखने की कोशिश कीजिए इस नवीन के अंदर। ठीक है, यहां पे देखिए आपका नवीन N A V I N है। ठीक है, जबकि यहां पे देखिए N A V E E N है, इसका मतलब करेक्शन कहां प्यारे मित्रों, इस नवीन के अंदर है। तो आपका सी ऑप्शन भी क्या है, गलत। इसका मतलब आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों डी के साथ। ठीक है, जैसी सीरीज ऊपर दी गई है वैसा ही एड्रेस आपको नीचे मिलेगा, देखने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे साथियों नवीन देखिए, एड्रेस में नवीन ठीक है, आपका जो ऑप्शन डी है इसमें भी नवीन ठीक है, यहाँ पे पटनायक बिल्कुल ठीक है, पटनायक ठीक है। इसके बाद नवीन निवास, तो ये देखिए नवीन निवास ठीक है, दोनों साइड से कोमा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इंटू में देखिए प्यारे साथियों बीजू स्मृति, तो ये देखिए बीजू स्मृति बिल्कुल ठीक है। इसके बाद के एम पटनायक, तो मेरे प्यारे मित्रों के एम पटनायक बिल्कुल ठीक है। मारक, मारक भी ठीक है। भुवनेश्वर, तो ये भी ठीक है। इसके बाद जो नंबर दिए गए आपको 322005, तो ये भी मेरे प्यारे मित्रों ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर आपका रहेगा डी के साथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आपको यहाँ पर जो एक एड्रेस दिया गया है इसके आधार पर आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा बीजू के अंदर गलती है, इन नंबर में गलती है, इस नवीन में गलती है, और एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा प्यारे साथियों जैसा एड्रेस ऊपर दिया गया है वैसा ही एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो प्यारे साथियों जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, सबसे पहला आपका घर, फिर विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल। ठीक है, इन सभी शब्दों को आपको अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे मिलेगा उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें होगा घर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हमारा घर, यानी घर हमारा एक नंबर है। ठीक है, इसके बाद घर से बड़ा कौन है इसके अंदर, स्कूल है। कौन है प्यारे साथियों, स्कूल। ठीक है, तो हम इसके बाद लिखेंगे स्कूल। ठीक है, यानी स्कूल हमारा दो नंबर पे है। स्कूल से बड़ा कौन है प्यारे साथियों, कॉलेज आपका, यानी कॉलेज। तो स्कूल के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉलेज, विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। तो प्यारे मित्रों इनके क्रम के आधार पे हम बता सकते हैं, सबसे छोटा कौन है घर, घर से बड़ा कौन है इसमें स्कूल, स्कूल से बड़ा कौन है प्यारे साथियों कॉलेज, और कॉलेज से बड़ा कौन है इसमें विश्वविद्यालय। प्यारे साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा गया तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो एक नंबर पर हमारा घर है, ठीक है, दो नंबर पर हमारा स्कूल है, तीन नंबर पर हमारा कॉलेज है, और चार नंबर पर हमारा विश्वविद्यालय है। तो तीन नंबर पर हमारा कौन से रहेगा प्यारे साथियों, कॉलेज। किस ऑप्शन में देख रहे हैं हम, सी। तो सी क्या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, यदि 82 इक्वल टू क्या प्यारे साथियों, चार। ठीक है, 63 इक्वल टू क्या आपके पास, दो। तो प्यारे साथियों 44 यानी 44 का मान क्या होगा, नीचे चार ऑप्शन है। तो प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे साथियों हमारे पास प्रथम नंबर क्या है, 82 यानी कि 82 नंबर। ठीक है, और इसको लिखा हुआ कितना देख पा रहे आप लोग, चार। तो प्यारे साथियों कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है प्यारे मित्रों, जो हमारा राइट साइड का नंबर है दो, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया इस आठ के ऊपर। तो कीजिए, दो को अगर आठ पे डिवाइड करेंगे तो प्यारे साथियों कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, चार नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड नंबर हमारे पास क्या है प्यारे साथियों, 63 नंबर। ठीक है, 63, और बराबर में हमें क्या प्राप्त होंगे प्यारे साथियों, दो नंबर। इसका मतलब हमारा जो सेकंड जो नंबर है आपका तीन, इसको डिवाइड किया गया है सिक्स के ऊपर। तो तीन से अगर डिवाइड करेंगे तो प्यारे साथियों कितने नंबर प्राप्त होंगे, टू नंबर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो इसी बेस पर हमारे पास नेक्स्ट नंबर हमारा है 44 नंबर।
ठीक है, कितना नंबर है 44। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे प्यारे मित्रों, इस चार को इस चार पे डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 4 × 4। इसका मतलब राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ 1 नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों, जो आपको यहाँ पर 82 में 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पीछे का जो नंबर है अगले वाले अंक पर डिवाइड करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे, 2 × 8। ठीक है, जो इसके बराबर में लिख के देख पा रहे हैं। उसके बाद प्यारे साथियों हमारा सेकेंड नंबर है 63 नंबर, तो पीछे नंबर जो है हमारा 3 नंबर, 3 को अगर हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, जो इसके पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया 44 के बराबर मान क्या होगा, तो प्यारे साथियों 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 कितना नंबर प्राप्त होगा आपको, 1। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ, यानी 1 नंबर बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, पर्सन आकृति में 2 यूनिट है, 1 यूनिट का दूसरी यूनिट से किसी प्रकार का संबंध है। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें 1 और 2 यूनिट में वही संबंध हो। तो प्यारे साथियों आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी गई, ठीक है, और इसके बेस पे नीचे आपको 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो प्यारे साथियों जो आपके कंडीशन फर्स्ट में अप्लाई होगी, यानी जो संबंध आपका फर्स्ट इन 2 फिगर में होगा प्यारे साथियों, वैसा ही कंसेप्ट वैसे इन 4 उत्तर आकृतियों में आपको मिलने वाला है। तो देखने की कोशिश कीजिएगा हमारे पास जो ये प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट यूनिट और इसके बाद ये सेकंड यूनिट, इन दोनों में क्या समानता देख पा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें आप देखने की कोशिश कीजिएगा भुजा हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कितनी भुजा हमारे पास है, 4, यानी 4 लाइनों का प्रयोग किया गया है, 1 लाइन 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसी के बेस पर नेक्स्ट आप आकृति में देखने की कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपकी 5 भुजा दी गई है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, कितनी भुजा दी गई है प्यारे साथियों, 5, यानी प्रथम में आपके 4 भुजा है और इसके बाद सेकेंड में 5, तो 4 से 5 मतलब कितनी भुजा का अंतर है प्यारे मित्रों, 1 भुजा की इसमें वृद्धि की गई है। तो आप नीचे देखने की कोशिश कीजिए जो उत्तराकृतियां दी गई है प्यारे मित्रों इनमें किसमें ऐसा संबंध है, तो देखने की कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों, यहां पे आपकी देखिए 5 भुजा है फर्स्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कितनी भुजा है, 5, और अगले में देखने की कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों आपके केवल 3 भुजा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। बी में देखने की कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों, यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, कितनी भुजा आपकी फर्स्ट में, 5 है। इसके बाद नेक्स्ट में देखने की कोशिश कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितनी भुजा है प्यारे साथियों, 6, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर रहेगा बी के साथ, 5 से 6 के लिए कितने की वृद्धि प्यारे साथियों, 1 की। ठीक है, उत्तराकृति में हमने देखा प्यारे मित्रों 1 से 2 हमने कैसे प्राप्त की, प्रथम जो हमारी आकृति है चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं और इससे हमारी क्या बनी है प्यारे साथियों, पंचभुज यानी 5 भुजा, इसका मतलब 1 भुजा की वृद्धि है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों बी। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारे पास बी ऑप्शन है, बी में हमारी प्रथम जो है ये पंचभुजें, ठीक है, यानी 5 भुजाएं हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट आकृति देख पा रहे हैं इसमें आपकी कितनी भुजाएं प्यारे साथियों, 6, इसका मतलब यहाँ पे कितनी वृद्धि है, 1 भुजा की यहाँ पे प्यारे साथियों वृद्धि है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा कंसेप्ट इसमें अप्लाई है, फर्स्ट में इस फिगर में देखा हमने यहाँ पे 4 है तो इससे आगे 5 यानी यहाँ 1 की वृद्धि है, इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 से 6 मतलब 1 की वृद्धि है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी। उम्मीद करते हैं अब आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 257, 226 और 197, तो प्यारे साथियों इससे नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे साथियों 257 से 226 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसमें से हम 31 माइनस करें, कितने माइनस करें प्यारे साथियों, 257 में से अगर 31 को माइनस करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे, 226। इसी प्रकार से 226 से प्यारे साथियों 197 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसमें हम 29 माइनस करें, ठीक है, किसमें से, 226 में से अगर 29 माइनस करेंगे प्यारे साथियों तो कितने नंबर प्राप्त होंगे, 197 नंबर। अब हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना है प्यारे साथियों, तो देखने की कोशिश कीजिएगा 197 से कितने नंबर माइनस करने होंगे हमें, यहां पे 27 नंबर। कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, 31
29, तो इसके बाद कितने 27 नंबर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये नंबर क्या प्यारे साथियों विषम नंबर है। 31, 31 से पहले 29, 29 से पहले कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 27, मतलब इसमें विषम नंबर माइनस किए गए। तो प्यारे साथियों 197 में से अगर उसको माइनस करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें यहाँ पे 170 नंबर, कितने नंबर 170 नंबर, किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग बी, तो बी क्या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों, प्रथम संख्या में से 31 माइनस, सेकंड में से 29 माइनस, तो इससे नेक्स्ट संख्या में प्यारे साथियों कितने माइनस करने होंगे हमें 27, तो राइट आंसर आपका 170 यानी बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे मित्रों आपको यहां पर भी एक सीरीज दी गई है 144, 121, 100, इससे नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों प्रथम नंबर हमारे पास है 144, मतलब ये देखने से हमें कन्फर्म है कितने का वर्ग है 12 का वर्ग यानी स्क्वेयर। इससे जो नेक्स्ट नंबर है प्यारे साथियों 121, किसका वर्ग है 11 का वर्ग है आपका, ठीक है। इससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 100, तो 100 किसका वर्ग है प्यारे साथियों 10 का वर्ग है, ठीक है। तो इससे अब नेक्स्ट नंबर जो भी प्राप्त होगा वो कितने का वर्ग होगा प्यारे साथियों, प्रथम संख्या हमारी 12 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग। तो अब जो नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त होगा वो कितने का वर्ग होगा प्यारे साथियों 9 का वर्ग होगा, कितने का 9 का। तो 9 का वर्ग कितना होगा प्यारे साथियों 81, 81, किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग ए, तो ए क्या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों। 144 जो है किस संख्या का वर्ग है 12 का, 121 11 का, 100 10 का वर्ग है। तो प्यारे साथियों पहले 12 फिर 11 फिर 10, तो अब कितने का वर्ग होगा हमारे पास 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग। तो कितना नंबर प्राप्त होगा 81, किस ऑप्शन में है ए, तो ए बिल्कुल क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे मित्रों नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में आपको बेमेल का चयन करना है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ, ठीक है, राइट आंसर रहेगा सी, आर एस। कंसेप्ट क्या है वो देखिए प्यारे मित्रों, जे से एम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर इसमें हम 3 प्लस करें, एन से पी कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर इसमें हम 2 प्लस करें, आर से एस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर 1 प्लस करें, और जी से एस कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्यारे साथियों अगर इसमें हम करें। तो इसका प्यारे मित्रों राइट आंसर हमारा रहेगा सी के साथ, कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। जो हमारा आर है, आर के जस्ट अगला अक्षर हमें इसमें प्राप्त हुआ है एस, ठीक है, यानी आर में ए में एक वर्दी करने से प्यारे मित्रों हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में प्यारे मित्रों एक से अधिक नंबर की वर्दी की गई है, ठीक है, एक से अधिक नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है। तो इसके आधार पर हमारा राइट आंसर रहेगा सी के साथ, ठीक है, इसमें जस्ट आर से नेक्स्ट नंबर लिया गया है, ठीक है, और बाकी में एक नंबर से ज्यादा की वर्दी की गई है। तो राइट आंसर आपका सी, आर एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्यारे मित्रों। आपको नीचे यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है, इसमें भी आपको बेमेल यानी कि विषम नंबर फाइंड करना है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ, ठीक है, राइट आंसर डी, पी एस यू। कंसेप्ट क्या है वो देखिए, तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिएगा, सी से ई हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सी में 2 प्लस करें, ई से जी अगर ई में 2 प्लस करें। बी ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिएगा, एस से यू हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर एस में हम 2 प्लस करें, यू से डब्ल्यू अगर यू में हम 2 प्लस करें, ठीक है। सी ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिए प्यारे मित्रों, आर से टी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आर में हम 2 प्लस करें, टी से भी अगर टी में भी हम 2 प्लस करें। डी ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों, पी से एस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर पी में हम 3 प्लस करें, और एस से यू हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं 2 प्लस करें। तो प्यारे साथियों देखने से आपको पता चल चुका होगा राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, डी, ठीक है। कंसेप्ट क्या है प्यारे मित्रों, जो आपका ए ऑप्शन है इसमें जो नंबर प्राप्त हुए इसमें कितने की वर्दी है 2-2 नंबर की, बी ऑप्शन में देखिए प्यारे मित्रों 2-2 की, और आपका सी ऑप्शन में भी कितने नंबर की वर्दी है 2 नंबर की। जबकि आप जो डी ऑप्शन देख पा रहे हैं, प्रथम नंबर में प्यारे मित्रों कितने की वर्दी है 3 की, उसके बाद 2 की। तो इन चारों में जो अलग है, जो विषम है, जो बेमेल है, कौन है प्यारे मित्रों आपका डी, पी एस यू। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। कौन सी उत्तर आकृति पर्सन आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको चार उत्तर आकृतियाँ दी गई, ठीक है। इन चार उत्तर आकृतियों को इस पर्सन आकृति में यहाँ पे रखने से
कौन सी आकृति को रखें जिसके कारण प्यारे साथियों ये फिगर आपकी कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ए के साथ, ठीक है। ए में जो ये फिगर दी गई है, अगर इस भाग को हम यहाँ पे रख देंगे प्रश्नाकृति में, तो ये जो प्रश्नाकृति देख पा रहे प्यारे साथियों ये कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो डार्क भाग है, अगर इस डार्क भाग को हम यहाँ पे रखेंगे तो आपका ये भाग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन इसको कंप्लीट करेगी, इसके बाद ये जो लाइन है प्यारे साथियों ये इस लाइन को कंप्लीट करेगी, और इसके बाद ये जो लाइन है प्यारे साथियों इस लाइन को कंप्लीट करेगी, ठीक है। मतलब आपका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपका जो ऑप्शन दिया गया है ए, ठीक है, ए में जो ये फिगर दी गई है अगर इस फिगर को हम यहाँ पे रख देंगे तो ये जो प्रश्नाकृति दी गई है ये बिल्कुल राइट होने वाली है, ठीक है। तो राइट आंसर अभी के लिए रहेगा हमारा ए। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। और प्यारे मित्रों ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम रहेगा, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपके सामने है, आपको यहाँ इस प्रश्न आकृति में एक फिगर दी गई, ठीक है। ये जो फिगर दी गई है प्यारे साथियों ये नीचे चार ऑप्शन दिए गए आपके उत्तर आकृति में, तो ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं इन चार ऑप्शन में कहीं ना कहीं छिपी हुई है, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ए के साथ, ठीक है, राइट आंसर ए। तो प्यारे साथियों देखिए जो प्रश्न आकृति में हमारी फिगर दी गई है वो कुछ इस प्रकार से, पहले इस प्रकार लाइन, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार के, ठीक है। तो ये जो फिगर दी गई है ये आप ए ऑप्शन में देखने की कोशिश कीजिएगा प्यारे साथियों कहां पर निहित है। तो देखिए हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, यहां पे देखिए इस प्रकार की लाइन है, फिर इस प्रकार की लाइन है, फिर आपके इस प्रकार की लाइन है, फिर इस प्रकार की लाइन, ठीक है। जो यहां पर ये फिगर देख रहे हैं प्यारे साथियों सेम ऐसी कैसी फिगर कहां पे बनती देख पा रहे हैं आप लोग, ए ऑप्शन में। तो इसका मतलब राइट आंसर रहेगा हमारा ए के साथ। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। तो किसी भी HSC के एग्जाम में जाने से पहले ये जो सीरीज हम आपको करवा रहे हैं प्यारे साथियों, इस सीरीज को आप जरूर लगा के जाएं, और इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसी नाम से प्यारे साथियों अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की PDF मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कितने प्रश्नों का सही सही जवाब आप लोगों ने दिया है प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।